टू माई चैनल। आज हम सोया कबाब बना रहे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत यम्मी रहते हैं। पता भी नहीं चलता कि आप वेज खा रहे कि नॉन वेज खा रहे, और बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ये। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कॉपरेट कीजिए, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम सोया बड़िया ले लिए जिसको हम गुनगुने पानी में भिगा लिए। देखिए ये पूरे पानी पी लिए, ये आधे से एक घंटा हो गया मैं भिगा के इन लोग को। अभी हम प्याज ले लिए, एक बड़ी डली है ये, इसको हम चॉप कर लिए। कोथमीर ले लिए हम थोड़ी सी, एक चम्मच हरी मिर्ची लिए, अदरक लहसुन लिए आधा चम्मच, नमक लिए एक चम्मच, मिर्ची लिए रेड चिल्ली एक चम्मच, हल्दी लिए थोड़ी सी, गरम मसाला थोड़ा सा, जीरा पाउडर थोड़ा सा, और ये चिली फ्लेक्स है थोड़े से, आधा नींबू लिए हम। दो बड़े चमचे हम चावल का आटा लिए, दो बड़े चमचे बेसन लिए। अभी हम इसको पानी निकालेंगे इसका, और इसमें डालेंगे। इस तरीके से हमको दबाते हुए पानी निकालना है और इसमें डालते जाएंगे। जार में डाल लेंगे हम, इसके बाद इसको बारीक कर लेंगे। इस तरह से हमको करते हुए अच्छे से पानी निकालना है। ये स्पंज जैसे हो जाते पानी में जाके, इस तरह से ये साफ हो जाते। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये पीस लिए, ऐसा बारीक कर लिए हम। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे, ये सारे हम डाल लेंगे, नमक छोड़ के सब डाल लेंगे हम, नमक लास्ट में डालेंगे। प्याज अदरक लहसुन मिर्ची भी डाल लेंगे हम, चावल का आटा, चाहे तो मैदा भी डाल सकते, और ये बेसन सारा हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारा मिक्स हो गया, अभी हम लेमन जूस डाल लेंगे इसमें। ये कोफ्ते हैं तो चटपटे बनना ज़रूरी है, इसलिए हम लेमन जूस भी डाल। और जो नमक हम रखे थे लास्ट में, अभी डाल लें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे, चाहे तो बड़े भी बना सकते, अपने पे है। टूथपिक भी डालेंगे हम इसमें, इस तरह से डाल के हम। देखिए हम ये बना लिए, 10 से 12 ये बन गए हमारे छोटे वाले कबाब। अभी हम इसको बड़े वाले बनाएंगे, शेप कोई भी दे सकते, इस तरह से हम बड़े देंगे, इस तरह से हमको बनाना है। ये भी हम बना लेंगे इस तरह से सारे, फिर मैं आप लोग को फ्राई करते वक्त बताऊंगी। तेल हम रख लिए गरम होने के लिए, धीमी आंच पे रखे हम। अभी ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके हमको डालना है, और 2 से 3 मिनट तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। सारे हम डाल लेंगे ऐसे ही, अभी हमको धीरे धीरे फोक से ऐसा टर्न करना है।
तरह से हम इसको पलटा लेंगे, जोर नहीं लगाएंगे हम ज़्यादा, इस तरह से सारे ऐसे ही कर लेंगे हम। कम आँच पे इसको तलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे हम, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अभी ये हमारे फ्राई हो गए, हम इनको निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हुए, हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे सोया कबाब बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं तोड़ के भी बताऊंगी आप लोग को। देखिए माशाल्लाह बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, देखिए बहुत अच्छे बने ये, आप लोग भी बनाइए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।